नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। दोस्तों अभी हम हैं इंडिया इंटरनेशनल फेयर में जो 2024 में लगा हुआ है और दिल्ली प्रगति मैदान में। यहाँ की सभी डिटेल आपने पहले देख ली होंगी। ये हमारा पार्ट 4 है, पहले के 3 पार्ट उम्मीद है आपने देख लिया होगा और आपको अच्छे लगे होंगे। ये जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है, ये लास्ट वाले पार्ट 3 का लास्ट का 4-5 मिनट का एक पार्ट, कुछ हमारा फ्रेम फ्रीज हो गया था इसलिए हमने दोबारा उसे रिपीट किया। जैसे आप उसे पूरा देख लें, हमारे सभी पार्ट में आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे बहुत ही डिटेल में। 20-22 मिनट के हमारे सभी पार्ट हैं। आप हर काउंटर को देखेंगे, हर काउंटर के क्या प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट डिटेल और एक कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होगा कि अगर आपने ओवरऑल प्रोडक्ट देख लिया है ऊपर से, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। जो हमें समझ में आया हमने वो आपको दिखाने की कोशिश करी है। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस नेक्स्ट पार्ट को। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी इस वीडियो को हम। उन्होंने लगा रखा है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, जूट के बने हुए बैग हैं, जूट मार्टिन है ना, जूट के बने हुए हैं। ओके, ये सब जूट के बने हुए हैं। ओके, कहाँ से हैं आप? कोलकाता से हैं, ठीक है। कितने के आते हैं, जैसे ये पर्स है, लेडीज पर्स कितने का आता है? ये 350 आता है, ये 250-350 का है, 1-2 450। अच्छा, ओके। कुछ आपका कार्ड या कॉन्टेक्ट नंबर होगा? जी सर, कार्ड नहीं। देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, हम कॉन्टेक्ट नंबर भी इनका दे देते हैं। अगर कभी आप लेना चाहते हैं तो आप बाद में कॉन्टेक्ट करके बात करके आप ले सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट देख लीजिए, अब तक आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके, ये देखिए। और इसके ऊपर जो पेंटिंग है, ये कैसा पेंटिंग है या कपड़ा लगाया हुआ है? पेंटिंग, ये पेंटिंग है। पेंटिंग ये काफी पूरी खुद की बनाई हुई है। और ये कार्ड है, आप चाहें तो पाल हैंडीक्राफ्ट करके है, आप जब भी चाहें तो बात कर सकते हैं। और आप कोलकाता से है ना, चलिए थैंक यू। ये देखिए उसके बगल में भी एक है और काफ़ी अच्छी वॉल क्लॉक, बहुत अच्छी है। और ये सब जूट की बनी हुई है वॉल क्लॉक्स कि कहाँ से आप? फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद से ही हैं। और किस रेंज में आती हैं? जैसे वो बड़ी एक वॉल क्लॉक है, वॉली 2200 रुपये में। ओके, 2200 रुपये में हैं। और आप कभी भी कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं। सेम चीज़ है, हाँ सेम चीज़ है लगभग, डिज़ाइन ये भी 2200 की है, साइज़ 2200 का है। कोई कभी आपसे बाद में लेना चाहे तो ऑनलाइन मिल सकता है आपके थ्रू। ओके, आप अपना नंबर बताना चाहेंगी, शेयर करना चाहेंगी? ये नंबर भी लिखा हुआ है, सुची अग्रवाल जी हैं। आप ये देखिए कांटेक्ट नंबर है, आप जब भी चाहें तो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। स्कैनर भी है, साथ में पेमेंट भी करने के लिए आपको बहुत इजी रहेगा, है ना। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ये भी 30 मिनट में मिट्टी की मूर्ति बनाए, 30 मिनट मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं लोग, तो कस्टमाइज है। एक बार चलिए इधर से राउंड लगाते हैं ऐसे। उत्तराखंड, अच्छा कुमाऊं से हैं, उत्तराखंड से। ओके, और वहाँ के बने हुए प्रोडक्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं। और आप देखते हैं पहाड़ी प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑटोमेटिक गर्म तो होते ही हैं, तो आप यहाँ पे स्टॉल पे आ सकते हैं और यहाँ भी गर्म कपड़े ले सकते हैं। ये अभी फर्स्ट डे है, आज धीरे धीरे चीज़ें लगाई जा रही हैं। अभी ये सहारनपुर यूपी वाले हैं, चीज़ें लगाई जा रही हैं धीरे धीरे, अभी स्टॉल सेटल किए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से हैं और क्या क्या है आपका? हमारे पास शॉल्स है, चेन स्टिच्स है, सूट्स है, ओके ओके, यहाँ से हैं। और हॉल नंबर 542 है, आप आए तो आके यहाँ देख सकते हैं। थैंक यू। ये है मोबाइल, इसका एक स्टॉल है, ये टाटा स्टील्स का है, जिन्होंने इसमें दिखाया हुआ है कि कितने अच्छे अच्छे काम किए हुए टाटा स्टील ने देश दुनिया के लिए। अभी हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जूट पवेलियन ही है और जूट के बने हुए ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जूट की बनती हैं आज के टाइम में। और ये देखिए स्टॉल है, ये जूट से रिलेटेड चीज़ें दिखाई हैं, जूट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। ये देखिए इसको देखते हैं, ये स्टूल कितने का आता है? 2600। कहाँ से आप? पानीपत से हैं। तो कैसे, आप खुद ही बनाते हैं क्या इसको? ओके ओके, पानीपत से। ये आपका नंबर?
ओके, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई अगर लेना चाहे अभी और बाद में भी तो इनसे संपर्क करके ले सकता है, ये मैन्युफैक्चरर ही है। ओके भाई साहब खाली बैठे हुए हैं, अभी कुछ है नहीं इनके पास। और ये देखिए जूट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जूट इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं ये जूट से बनी हुई चीज़ें हैं। तो आज के टाइम में जूट की भी बहुत डिमांड चल रही है, ये जूट की बनी हुई ज्वेलरीज हैं आप देख सकते हैं, बैग है, चलिए लास्ट तक चलते हैं, मेटल के बने हुए हैं ये। दोस्तों हमारी वीडियोस में आपको सुविधा ये मिल जाती है कि आप कभी भी कोई चीज़ अगर बाद में लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे सारी चीज़ें ले भी सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अभी ये सेटल हो रहा है, जूट से बने हुए ही हैं, तो अब एक एक चीज़ का रेट बताना संभव नहीं हो पाता है या एक एक स्टॉल पे रुक के रेट लेना संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, आगे से फिर घूम के आते हैं, ये भी जूट से बना हुआ इंडस्ट्री है, जूट के प्रोडक्ट ही हैं सारे। अभी ये जूट वाली पवेलियन में ही हैं हम, हॉल नंबर 5 में। देखिए जूट से बने हुए बहुत अच्छे प्रोडक्ट, पर्स और सारी चीज़ें हैं। कहाँ से आप लोग? फरीदाबाद। फरीदाबाद में जूट का बहुत काम होता है क्या? नहीं, हाँ हाँ हाँ, तब से होने लगा है। ओके ओके, तो इसमें ये बनाना जूट भी तो यूज होता है ना? नहीं है, नेचुरल जूट है। अच्छा नेचुरल जूट है, बनाना जूट का अलग है। अलग है, ओके ओके। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। क्या शुभ नाम है आपका? विश जी हैं, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि अभी नेचर फ्रेंडली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सब नेचर फ्रेंडली इको फ्रेंडली, हालांकि अभी वो सेटल कर रहे हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको। कैप कितने की है ये वाली? 250 की कैप है। कैप, पर्स, बहुत सारी चीजें हैं आप देख सकते हैं, और इनका नंबर हम भी ले लेते हैं, भविष्य में हमें भी जरूरत पड़ सकती है आपकी। धन्यवाद। ये देखिए ये है प्रोडक्ट, कहाँ से? अच्छा जूट की चप्पल है। ओके, जूट की चप्पल सैंडल्स। मिनिमम किस रेट से स्टार्ट हो जाते हैं? 250 रुपए से। अच्छा ओके, 2020 से 2025 साल तक, मतलब 20 तो नहीं है लेकिन 5 साल तक के लिए इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी, है ना? थैंक यू। ये भी जूट के ही प्रोडक्ट हैं, जूट के बैग्स हैं आप देख सकते हैं, काफी अच्छे हैं जूट के बैग, और सब ये जूट वाली पवेलियन है। देखिए जूट के बने हुए हैं, जूट की कालीन है, जूट के कार्पेट से, कार्पेट सॉरी कार्पेट, कालीन बोल दिया गलती से, बोल दिया सही है। कहाँ से हैं आप लोग? हम यूपी से, भदोही से। भदोही से, अच्छा भदोही कालीन के लिए फेमस ही है ना? ओके, कितने में आ जाती है ये वाली? ऐसे काफी भारी है, 1500 का ये जूट का बना हुआ है। ये जूट कौन से मटेरियल, ये बनाना फाइबर को यूज करते हैं या कौन सा जूट यूज करते हैं? पटसन होता है, पर्शियन जूट, पटसन। ओके, बनाना फाइबर नहीं यूज होता है इसमें? ये 100% जूट है। अच्छा ओके, तो बनाना फाइबर को 100% जूट नहीं मानते हैं क्या? नहीं नहीं, उसको नहीं मानते, अलग चीज है। जूट सूतली को बोलते हैं, सूतली होती है, हाँ हाँ हाँ, बस वही सूतली है। अच्छा ओके, उसको अलग अलग ढंग से उसको रिफाइन किया है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो अपना नंबर भी बता सकते हैं, कोई आपसे संपर्क करके ले सकता है बाद में। मेरा नंबर तो है 8050720150। ओके ओके, चलिए अगर किसी को लेना है तो बाद में कॉन्टेक्ट कर सकता है, वैसे भदोही तो फेमस ही है कार्पेट के लिए। धन्यवाद। ये जूट का है, ये दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देखिए बोर्ड लगा हुआ है और जूट पवेलियन है, इधर आपको जूट के ही बहुत सारे प्रोडक्ट बने हुए मिल जाएंगे, हॉल नंबर 5 में है। चलिए हम लोग फिर आगे घूमते हैं, बहुत ही लंबा है यार, 500 रुपए का टिकट है यहाँ का, शुरुआत के 4-5 दिन का, बाद में वो टिकट काफी सस्ता हो जाता है। तो ये देखिए, ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीज को नहीं हम दिखा सकते हैं, आप बस एक क्विक विजिट कर लीजिए। देखिए हैंडमेड पापड़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही लंबा है, एक एक चीज़ के रेट बताना बहुत ही मुश्किल है, हर स्टॉल पे रुकना ही बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम देखते हुए धीरे धीरे आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते रहते हैं कहाँ पे क्या है।
देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हैंडी नेशनल बैकवर्ड क्लासेस है, ऐसा उसका बोर्ड लगा हुआ है। क्या है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट, इनका है, अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं। जयपुर ब्लू पोटरी का है ये, कि हनी है प्रोडक्ट बने हुए। काफी चीजें नए नए स्टार्टअप हैं, उनको भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है इन चीजों से। और ये प्रोडक्ट देखिए, ये हैं कुछ प्रोडक्ट, ये राजस्थान से हैं, और देखते हैं इन प्रोडक्ट को। तो ये जयपुर के प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ के वुडन वर्क जो है बड़ा फेमस वहाँ का है। और थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में? जी प्लीज बताइए। उमेश कुमावत मेरा नाम है, ठीक है, राजस्थान से। ठीक है, ये वुडन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, हैंडमेड है टोटली। क्या और काफी पुराना काम है, ऑनर्स अच्छे लाइक करते हैं, नारा अच्छे लाइक करते हैं। जी जी। और इस आर्ट की काफी हमारे बाहर फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा वैल्यू है। जी जी। पसंद किया जाता है इसको। ठीक है, अगर कोई लेना चाहे आपसे बाद में तो कैसे ले सकता है, कार्ड या कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ जी, हाँ जी, मेरा कार्ड रूपन आर्ट मेरे फर्म का नाम है, कार्ड मेरा ये है। ये कार्ड है और उमेश जी हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उमेश जी के दोनों नंबर लिखे हुए हैं, अगर आप बाद में कभी भी जयपुर जाते हैं तो आप कॉन्टेक्ट करके और उनका जो सेंटर है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। देख सकते हैं दोस्तों, हम इधर फिर से आ गए जिंदल स्टील में, जहाँ से हम निकले थे, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। चलो शुक्र है, इस हॉल को ख़त्म करते हुए हम काफ़ी हद तक पीछे की तरफ आ चुके हैं। और ये बहुत ही डिज़ाइनर कप है, ये देखिए कितने, किस रेट में है ये? 80 रुपए में। ओके, कहाँ से है? त्रिपुरा के प्रोडक्ट हैं और काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा इसका डिजाइन। ये वाला कप कितने का है? 150। ये 150 का कप है और बहुत ही अच्छी डिजाइन है। कुछ आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा अगर बाद में कोई लेना चाहे तो? हाँ जी। है, अगर है तो दीजिए। 8733730330780। ठीक है, कोई आपसे कांटेक्ट करके कभी भी ले सकता है। थैंक यू। केन बैम्बो देखिए लिखा हुआ है त्रिपुरा से, और ये प्रोडक्ट है होममेड है सारे। ये देखिए होममेड है प्रोडक्ट, और ये सब सपोर्ट किया गया है आपके ग्रुप को, तो आप लोग की तरफ से, या मतलब उस जो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट वाला समथिंग जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से ऐसा लिखा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं उसकी तरफ से स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे कावा भी आप पी सकते हैं, कावा देखिए, और ये चौहारे देखिए, पानी आ गया भाई देख के चौहारे। ये देखिए ये लेदर प्रोडक्ट है यहाँ पे। कहाँ से आप? एमपी से हैं। ओके, ये एमपी से हैं और ये लेदर प्रोडक्ट हैं। और क्या रेट है बैग का? इससे 3000 का बैग है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बैग की। किस रेट से स्टार्ट हो जाते हैं बैग? जैसे ये बैग वाली, ये वाले हैंड बैग, हाँ 4500 से है बैग। देख सकते हैं आप, प्योर लेदर है ये सब। कौन सा लेदर है? बफेलो लेदर है, आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्योर लेदर है और काफ़ी अच्छा बैग और कॉस्टली बैग भी है। आप कभी भी चाहें तो, ख़राब नहीं होता जल्दी, है ना, लंबा चलता है। कुछ अब कॉन्टेक्ट नंबर कार्ड है क्या कुछ? एक मिनट रुकियो, नंबर क्या आपका? हाँ 9312665925। थैंक यू। क्या नाम है? अशरफ अली। चलिए, आपको अगर बाद में लेना है तो आप अशरफ अली जी से संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कालीन ये हैं, चिकन से रिलेटेड ही लग रहे हैं भाई।
देखिए ये शूज हैं, ये देखिए शूज यहाँ पे इंडिया ट्रेड फेयर है, आप यहाँ पे खरीद भी सकते हैं, शॉपिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए प्रोडक्ट, ये देखिए दोस्तों अभी किसी चीज़ का रेट बताना बहुत ही मुश्किल है भाई। कश्मीरी क्या टोपी ओपी है और कश्मीरी प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, हैंडीक्राफ्ट, नो नकली ओनली असली सिल्क होगा। हाँ ये सिल्क मार्क इंडिया सिल्क है, देख सकते हैं आप, देखिए प्रोडक्ट ये वुडन प्रोडक्ट है, जयपुर से, जयपुर से हैं सर आप, राजस्थान से, बहुत बढ़िया। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये वुडन प्रोडक्ट हैं जो कि राजस्थान के फेमस प्रोडक्ट हैं और आप इन्हें ले सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? आपने, हाँ जी, अब माइक वो इसको निकालूंगा उसको लगाऊंगा है ना, तो फिर वहाँ के अलग से बना लूंगा, वही करते हैं। जयपुर मुझे जाना भी, परसों ही जा रहा हूँ बल्कि मैं, हाँ यूट्यूब पे ये तो कल ही परसों डाल दूंगा। अरे ज़्यादा नहीं है, तो मैं नौकरी के साथ थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ, शौक के लिए कर देता हूँ ट्रैवल व्लॉगिंग जी। अभी दोस्तों वो स्टॉल ख़त्म हो गया है और हम नए स्टॉल में हमने शुरुआत कर ली है, JSW स्टील से शुरुआत हुई है और हॉल नंबर 4 में अभी हम आ गए हैं। ये देखिए हॉल नंबर 4 में आ गए हैं और चलिए यहाँ पे एक बार देखते हैं हॉल नंबर 4 में क्या क्या है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकतर गवर्नमेंट के जितने हैं चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हैं, स्टील से रिलेटेड। ओके अच्छा, JSW स्टील का ही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका बना हुआ ये स्टॉल है, ये देखिए। और जिंदल स्टील है, GS, हाँ जिंदल स्टील का है स्टॉल ये, मिनरल्स, इस तरह के स्टॉल बने हुए। GSI का ये है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका स्टॉल है। दिल्ली मेट्रो, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने हैं वैसे वाले स्टॉल्स हैं यहाँ पे, है ना। अब इनको देख सकते हैं, उनके तरफ है गवर्नमेंट स्टॉल जितने हैं। ये भारतीय रेल का स्टॉल है, भारतीय रेल की जो चीज़ें हैं ये देखिए, सरकारी जितने मंत्रालय हैं उनके बारे में यहाँ है, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय का है यहाँ पे। और हम इधर आते हैं, ये है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर जितने डेवलप हो रहे हैं उससे रिलेटेड है। और ये देखिए ये कुकुम्बर चेरी टमाटो इसका है, लिलियम कार्नेशन पपाया, कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है देखिए, उससे रिलेटेड है ये स्टॉल। ये है भारतीय बीज निगम से रिलेटेड, बीज निगम के स्टॉल हैं ये। ये है फाइनेंशियल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कैशो, बस काफ़ी चीज़ें हैं। अब MIS हो गई, देखिए ये गवर्नमेंट, मैंने जैसे बताया ना, ये हॉल नंबर 4 में अधिकतर सरकारी जितने स्टॉल्स हैं वो हैं यहाँ पे हॉल नंबर 4 में। चलिए एक बार ऐसे ही विजिट कर लेते हैं, देखिए ये एक स्टॉल दिखा रहे हैं,